प्रेरकों का वर्गीकरण। इससे पूर्व हमने अभिप्रेरणा के प्रकार, स्रोत, विधियां, परिभाषाएं आदि पढ़ लिए हैं। आज के टॉपिक में हम प्रेरकों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते कि प्रेरक होते क्या हैं। प्रेरकों को ऐसी आंतरिक दशाएं या शारीरिक शक्ति माना जाता है जो व्यक्ति को निश्चित लक्ष्य की ओर प्रेषित करती है या प्रेरित करती है, जो हमने पहले पढ़ लिए हैं। अब यहाँ पे हम प्रेरकों का वर्गीकरण करते हैं। तो तीन मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने प्रेरकों का वर्गीकरण करा है। पहला है मैस्लो, दूसरे है थॉमसन, तीसरे हैं गैरेट महोदय। मैस्लो के अनुसार प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, पहला है जन्मजात प्रेरक और दूसरा है अर्जित प्रेरक। जन्मजात प्रेरक क्या होता है? जन्मजात प्रेरक, ये प्रेरक व्यक्ति में जन्म से ही पाए जाते हैं। इनको जैविक या शारीरिक प्रेरक भी कहते हैं, जैसे भूख, प्यास, काम, निंद्रा आदि। दूसरा मेस्लो के अनुसार है अर्जित प्रेरक। अर्जित प्रेरक क्या होता है? ये प्रेरक अर्जित किए जाते हैं, या फिर इन्हें कहें तो हम सीखते हैं, जैसे रुचि, आदत और समाज के साथ रहने के लिए सामुदायिकता। ये दो प्रकार मेस्लो के अनुसार। थॉमसन के अनुसार, थॉमसन के अनुसार दो प्रकार के, स्वाभाविक प्रेरक और कृत्रिम प्रेरक। स्वाभाविक प्रेरक क्या होता है? ये प्रेरक व्यक्ति में स्वभाव से ही पाए जाते हैं, जैसे खेलना, अनुकरण करना, सुझाव देना, प्रतिष्ठा, सुख प्राप्ति आदि। ये ऐसे प्रेरक होते हैं जो स्वाभाविक है, जो हर व्यक्ति में स्वभाव से ही पाए जाते हैं। जबकि दूसरे होते हैं कृत्रिम प्रेरक। ये प्रेरक स्वाभाविक प्रेरकों के पूरक के रूप में कार्य करते हैं और व्यक्ति के कार्य या व्यवहार को नियंत्रित और प्रोत्साहित करते हैं। जैसे हम बच्चों को दंड देकर के, प्रशंसा करके, पुरस्कार देकर, सहयोग करके या व्यक्तिगत या सामूहिक कार्य की प्रेरणा देकर के इस प्रकार के कृत्रिम प्रेरकों की उपस्थिति करवाकर प्रेरणा का कार्य करते हैं। तीसरे महोदय हैं गैरेट महोदय। गैरेट महोदय ने तीन प्रकार के प्रेरक बताए हैं। पहला बताया है जैविक प्रेरक, दूसरा है मनोवैज्ञानिक प्रेरक और तीसरा है सामाजिक प्रेरक। तो जैविक प्रेरक क्या होता है? जो प्रेरक व्यक्ति में जन्म से ही पाए जाते हैं, इनको जैविक या शारीरिक प्रेरक भी कहते हैं, जैसे भूख, प्यास, काम, निंद्रा, विश्राम आदि। दूसरा है मनोवैज्ञानिक प्रेरक। ये प्रेरक प्रबल मनोवैज्ञानिक दशाओं के कारण उत्पन्न होते हैं। गैरेट महोदय ने इनके अंतर्गत संवेगों को स्थान दिया है। अब संवेग कौन कौन से होते हैं? जैसे 14 प्रकार के संवेग, जैसे क्रोध, भय, प्रेम, दुख, आनंद आदि। सामाजिक प्रेरक, ये प्रेरक सामाजिक आदर्शों, स्थितियों, संबंधों आदि के कारण उत्पन्न होते हैं और व्यक्ति के व्यवहार पर बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। जैसे मैं कहूँ तो आत्म सुरक्षा, आत्म प्रदर्शन, जिज्ञासा, रचनात्मकता आदि। अगला टॉपिक आता है सीखने में प्रेरणा का स्थान। क्लासमियर व गुडविन महोदय ने लिखा है कि सीखने के लिए प्रेरणा का महत्व निसंदेह रूप से साधारणतः स्वीकार किया जाता है। यह उद्धरण इस विचार का समर्थन करता है कि सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा के महत्वपूर्ण स्थान के संबंध में मत विभिन्नता नहीं हो सकती है। प्रेरणा सीखने का महत्वपूर्ण अंग है। प्रेरणाहीन क्रिया को सीखने में व्यक्ति रुचि कभी नहीं लेता है।
सीखने में प्रेरणा का महत्व हम इस प्रकार और बता सकते हैं कि बाल व्यवहार में परिवर्तन, शिक्षक, प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, वर्षना या आदि कृत्रिम प्रेरकों का बुद्धिमानी से प्रयोग करके बालकों के व्यवहार को निर्देशित व परिवर्तित कर सकता है। चरित्र निर्माण में सहायक, शिक्षक बालकों को उत्तम गुणों और आदर्शों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस प्रकार वह अपने चरित्र निर्माण में सहायता दे सकता है। ध्यान केंद्रित करने में सहायक, यहाँ पे क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं कि शिक्षक बालकों को प्रेरित करके उन्हें अपने ध्यान को पाठ्य विषय पर केंद्रित करने में सहायता दे सकते हैं। अगला आता है मानसिक विकास में, वापस क्रो एंड क्रो महोदय कहते हैं कि प्रेरक छात्र को अपनी सीखने की क्रियाओं में प्रोत्साहन देते हैं, अतः शिक्षक प्रेरकों का प्रयोग करके छात्रों को ज्ञान का अर्जन करने में प्रोत्साहित कर सकता है। इस प्रकार वह अपने मानसिक विकास में अपूर्व योगदान दे सकता है। अगला आता है रुचि का विकास, यहाँ पे थॉमसन महोदय कहते हैं कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, अतः शिक्षक प्रेरणा का प्रयोग करके बालकों में कार्य या अध्ययन करने के प्रति रुचि का विकास कर सकता है। इस प्रकार वह अपने लिए ज्ञान प्राप्त करने का कार्य सरल बना सकता है। अगला है अनुशासन की भावना का विकास, शिक्षक बालकों को अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इस प्रकार वह अनुशासन की भावना का विकास करके अनुशासनहीनता की समस्या का समाधान कर सकता है। अगला आता है सामाजिक गुणों का विकास, शिक्षक बालकों को सामुदायिक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित करके उनमें सामुदायिक भावना और सामाजिक गुणों का विकास कर सकता है। इस प्रकार वह उनको समाज को अच्छे और उपयोगी सदस्य बनने का प्रशिक्षण दे सकता है। अधिक ज्ञान अर्जन, यहाँ पे क्रो एंड क्रो महोदय फिर कहते हैं कि शिक्षक बालकों में प्रतियोगिता की भावना का विकास करके उन्हें अधिक ज्ञान अर्जन करने के लिए प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। तीव्र गति से ज्ञान अर्जन में भी सहायक है, यहाँ पे फिर कहते हैं हम शिक्षक उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करके बालकों को तीव्र गति से ज्ञान का अर्जन करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार प्रगति, यहाँ पे क्रो एंड क्रो महोदय फिर कहते हैं कि प्रेरक व्यक्ति को उस क्रिया को चुनने में सहायता देते हैं जिसे करने की उसकी इच्छा होती है, अतः शिक्षक उचित प्रेरकों का प्रयोग करके बालकों को अपनी इच्छा अनुसार कार्य या विषय का चुनाव करने में योगदान दे सकता है। इस प्रकार वह उनको अपनी व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार प्रगति करने का अवसर भी दे सकता है। प्रेरणा शिक्षा प्रक्रिया का प्रमुख आधार है और सीखने की ऐसी शक्तिशाली साधन है जिसका प्रयोग करके शिक्षक बालकों को उनके साध्य तक पहुँचा सकता है। इनकी क्रियाओं को किसी भी दिशा में मोड़ सकता है और उनके व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन कर सकता है। इसीलिए कुप्पू स्वामी ने यहाँ पे कहा है कि हमारे विद्यालय में सीखने के लिए वास्तविक और स्थायी प्रेरकों को प्रदान किए जाने का प्रयास की आवश्यकता है।